ओपीडी में भी है, जो सिर्फ इमरजेंसी पेशेंट है वो देख रहे हैं। मेरी इंदौर की जनता से अपील है कि जो सामान्य सी बीमारियां हैं उनके लिए आपको यहां आना नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि इस समय आपको संक्रमण का खतरा ज्यादा है। अभी हमें शासन का आदेश आ गया है कि पूरी ओपीडी बंद करना है, सिर्फ इमरजेंसी में, जैसे कि मान लीजिए सर्जरी वाला कोई स्टेबिंग का आ गया या ट्रॉमा आ गया, एक्सीडेंट का आ गया या हार्ट अटैक का आ गया, तो वो पेशेंट हम भर्ती करेंगे। उसके अलावा हम कोई पेशेंट भर्ती नहीं कर रहे हैं ना देख रहे हैं। एमआई में सिर्फ अभी आप सिर्फ जो गंभीर बीमारियां हैं, जो बहुत गंभीर हालत में हैं या जिनको तत्काल इलाज की जरूरत है वही आए, उसके अलावा कोई भी आएगा तो उसको वापस किया जाएगा, उनका हम इलाज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शासन के आदेश है स्पष्ट रूप से, क्योंकि हमारी जो तैयारी पूरी है कोरोना की है और हम उसके हिसाब से इलाज कर रहे हैं। अभी तक कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है और मेरी इंदौर की जनता से अपील यही है कि आप घबराए नहीं, पैनिक क्रिएट नहीं करें, शासन और प्रशासन जो आपको आदेश दे रहा है लॉकडाउन के उसका पालन करें, क्योंकि मैं जो मेरी भाषा में बोल सकता हूं कि आपको घर में रहना है कि दीवार में फ्रेम में रहना है वो आपको तय करना है। 14 दिन घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि हम अगर 14 दिन घर के भीतर रहेंगे तो हम चैनल ट्रांसमिशन जो कोरोना वायरस की उसको तोड़ने में सफल होंगे। मैं जनता से पुरजोर अपील करता हूँ कि कृपया आप बाहर नहीं निकले, आप सिर्फ घर में रहें, बहुत आवश्यक होने पर ही बाहर निकले और आप इन जो शासन ने प्रशासन जो आदेश दिए उसका पालन करें।